सफर कैसा है ये सफर। तो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। बजने जा रहा है सुबह का 11 और यहाँ पे बरस रहा है मस्त पानी, बहुत ही मस्त पानी बरस रहा है। और सागर दादा कह रहे हैं चलो चलते हैं नहर में नहाने के लिए, बरसते हुए पानी में, जो कि यहाँ से भाई 13-14 किलोमीटर तक है। तो बरसते हुए पानी में जाएंगे और वहीं पे नहाएंगे। एंड मामी भी घर आ चुके हैं गाइस, कल रात में मामी आई थी। तो चलो भैया चलते हैं नहाने के लिए, मैंने तो अभी तक नहाया नहीं था। 11 बजने जा रहा है, अब सीधे चल के नहर पे ही नहाएंगे, ऐसे ही प्लान बन जाते हैं हमारे। इनका नहर का तो पता नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं बादलों का पीछा करने के लिए। बादल हमें जहाँ तक लेके जाएंगे हम इनके पीछे पीछे चलेंगे। इसमें रहे हमारे सारे के सारे कपड़े। और ये देखिए आप, ये रो रहे हैं, हमें नहीं लेके जा रहे हैं। आंखों से आंसू देखिए, एक एक बूंद निकल रही है। अभिनेत्री अभिनेत्री प्रो मैक्स गाइस। मस्त यहाँ पे पानी बरस रहा है, बादल हो रखे हैं यहाँ पे काफी सारे, मस्त हल्की सी धूप भी निकल आई है। फाइनली यार हम लोग निकल चुके हैं, पानी बरस रहा है, हल्की सी जो है धूप निकल आई है, बट कोई बात नहीं। हल्की हल्की बिल्कुल पानी आ रहा है, तो ऐसे बरसते हुए पानी में भाई साहब चलेंगे 14-15 किलोमीटर, फिर चल के नहर में नहाएंगे यार, मजा आ जाएगी यार। कैसा है ये सफर। हम चले हैं शहर का मुआयना करने के लिए बरसात में, बताओ इनकी हल्की सी बारिश में पूरा पानी भर गया है। मंजिलों की ना है कोई भाई साहब, इधर काफी तेज हो रखी है बारिश। जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है समाना, तू चल कर न कर अगर मगर। रास्ते में भी सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। ए खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो भाइयों घना मजा आ रहा है अपन को, ठीक है। अब हम लोग जुगाड़ में है, कहीं पे बढ़िया सी चाय पकौड़ी की दुकान अगर मिल जाए ना, तो ऐसे मौसम में जब आप पूरी तरीके से भीगे हो और ऊपर से चाय पकौड़ी खाने को मिल जाए तो कहना ही क्या। तो बस इस बरसात में हमारी खोज है एक बढ़िया सी टपरी को खोजने की, देखते हैं क्या हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। और बाकी तो मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। एक छोटा सा ब्रेक लिया, टिक्की पकौड़ी खाएंगे। देखिए पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है, इस मिट्टी में फिसल भी सकते हैं। अबे भाई कुछ ज्यादा एडवेंचर हुआ जा रहा है यार। सबसे पहले लिए गए हैं यहाँ पे समोसे, एक एक समोसा खाएंगे। मिर्चे पड़े हुए हैं कढ़ाई में, जब मिर्चे निकल जाएंगे वो खाएंगे, लेकिन तब तक समोसा एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म। समोसे उड़ालिए, अब बारी है मिर्चा की गर्मा गर्म। गर्मा गर्म समोसा खा के तो मजा आ गया, उस मिर्चे को भी उड़ाते हैं। यार यहाँ पे मस्त समोसे एंड मिर्चे खा लिए, पेट भर गया, गर्मा गर्म लग रहा है पेट के अंदर, तब से ठंडा लग रहा था। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज बहुत ही चिकनी मिट्टी पड़ी हुई है यार। बहुत ही संभल के निकलते हैं। ओ भाई देखो, अपने पास दो ऑप्शन है। हम लोग ना एक्चुअली इधर वाली रोड पे चले गए थे, आगे 6-7 किलोमीटर तक इधर है नहर, इधर से मतलब अभी 12-13 किलोमीटर पड़ेगी, हमारा घर इधर है, तो इधर चला जाए या इधर चला जाए। चलते रहेंगे ठंड अगर लगने लगेगी तो वापस। हाँ, ये भी बात सही है, ठंड लगने लगेगी यार, पानी बड़ा मस्त बरसा। मंजिलों जा तो रहे थे नहर साइड, जो कि इधर साइड है, धूप भी निकल आई, लेकिन भाई इधर नहर है ना उधर मस्त बादल है। लेकिन एक बार बाइक में थोड़ी सी हवा चेक करा ले, लग रहा है थोड़ी सी हवा कम है। भाई कहो कुछ भी, अपना काला सन बड़ा मस्त है, जहाँ लिए जाओ वहाँ चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि इतनी बरसात में भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक मारो तुरंत गाड़ी रुक रही, इतने मस्त इसके टायर है ना। कोई खबर सफर जा रहे हैं तो नहर साइड, लेकिन रास्ते में दिख गया है ठीक ठाक रेस्टोरेंट ढाबा, तो मैं अपने नया कुछ ढाबा वा टाइप का खुल रखा है, हमने तो देखा नहीं, तो चलो पहले से देख लेते हैं फिर नहर जाएंगे यार। लेकिन पूरा कच्चा रास्ता है यहाँ पे, ये एक बना हुआ है ठीक ठाक रेस्टोरेंट, वाह नाम ही बड़ा बढ़िया है। और इसे देखो हट्स बना रखी है पूरी बैम्बू वैम्बू की, तो बढ़िया बना रखा है यार ये पूरी, देखो लाइन से बना, लेकिन हमें लग रहा है अभी खुला उला होगा ये।
बंद है अभी, चालू वालू नहीं है, बट हाँ तुम लोग आके ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। और अगर कोई यहाँ पे आया हो तो बताना कैसा है, इसके रिव्यू देना। अब हमें लग रहा है कि हमारा चैनल ब्लॉग के साथ साथ न्यूज वाला भी हो गया है, पूरी हरदोई की जानकारी मिल जाती है ब्लॉग में। ट्राई करें नहीं, एक बार चेक करके आओ, देख के उसमें क्या क्या है, तो देखने जा रहे हो भाई। अच्छा हाँ, दादा कह रहे हैं मिनी उन्यू पता कर लो, कभी फैमिली के साथ आने वाला हो तो आएंगे यहीं पे। कुछ ऐसी हट्स बना रखी हैं इनके अंदर, देखो एक मेज पड़ी हुई है और मेज पे ही मेन्यू रखा हुआ है। लव मेन्यू देख लेते हैं इसका, सही है मेन्यू, छोटा मोटा मेन्यू है, अगर आप आएंगे फैमिली के साथ तो आराम से बैठ के खा भी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब मेन्यू में मैंने सारी डिशे पढ़ी, सारी महंगी थी, जैसे मतलब कि रेस्टोरेंट मेन्यू होता है उसी रेट का है, तो फिर काहे का ढाबा यार, रेस्टोरेंट जैसे जब महंगे देने हैं। बना है तू ठाने का सब आसमान है, आपको इस जमाने का हर पैतरा गुजर, ऐसी राह से गुजर जी उठे। समय कितना प्यारा नजारा लग रहा है, मतलब कि बरसात वाला जो मौसम होता है सच में बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे नजारों को देखने के लिए हम लोग इतनी दूर दूर पहाड़ों पे जाते हैं, लेकिन इस बरसात वाले सीजन में हर तरफ चारों तरफ ऐसा ही नजारा है, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस समय जो है हमारे हमारे बहुत सारे अपने खुद के गाँव जाओ, अपने आस पास में जो कुछ भी हो, कहीं भी रोड में ऐसे निकल जाओ, नहर के किनारे बैठे कुछ भी करो, बस मजा आएगी। इतने तगड़े मौसम में आप कहीं भी चले जाएंगे, मजा आएगी। और जब आप ऐसे रोडों में निकलेंगे तो आपको ऐसी छोटी छोटी मंडियां भी देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको आम मिलेंगे ताजे ताजे, सब कुछ ताजे ही ताजा मिलेगा। बस नहर के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे रोड भी गीली है और पानी भी आ गया, अभी तो हल्की हल्की बूंदे हैं लेकिन ये तेज हो जाएगा थोड़ी देर में यार, जब तक हम लोग नहर के पास पहुँचेंगे। यार नहर के पास तो हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन पानी जो है अब जोर हो चुका है इस समय। एक बार आम पूछो, आम यहाँ पर भी आम लगा हुआ दादा कह रहे, एक बार आम पूछा पहले। भैया आम कैसे लगा है? 40 महंगे दे रहा है गाइस, 40। तो आम जो है लौट के देखेंगे, बिकॉज अभी नहर जा रहे हैं ना, और ये यहाँ पे पूरा कीचड़ी कीचड़ हो रखा है, बस थोड़ी दूर का कीचड़ है, आगे तो मस्त रोड मिल जाएगी हमें डामर वाली। फुल एडवेंचर हो रहा है गाइस, फुल एडवेंचर अपने काले सांड पे, और नहर भी समय मस्त पूरी भरी भरी चल रही, देखो कितनी तेज फ्लो है यार, कितनी तेज फ्लो। ये देखो भाई साहब पूरी की पूरी भरी चल रही है यार, ये तो कोई नहीं है, आज सिर्फ हम दोनों लोग आए हैं। इधर से देखो कितनी जोरों से पानी आ रहा है, फिलहाल इधर तो काफी ज्यादा पानी है, इधर देखते हैं ये जो झरना टाइप वाला इसमें पानी कैसा आ रहा है। पर आज हमको लग रहा है इधर भी ज्यादा ही पानी है, बिकॉज पहले इतना पानी तो था नहीं और जोरों से गिर रहा होगा भाई। फिलहाल कपड़े कौन चेंज करेगा और क्या, ऐसे ही खड़े खड़े नहा लेंगे, गीले तो वैसे भी पूरे के पूरे कपड़े हैं। लेकिन हाँ ये लोग काम कर रहे हैं अपने रिस्क पे कर रहे हैं, छोटे बच्चे या कोई भी जाए तो किसी बड़े के साथ, जैसे हमारे साथ तो सागर दादा है एक्सपीरियंस पर्सन, बाकी अगर तुम लोग जाना तो किसी बड़े के साथ जाना, ये मत बोलना तनिष भैया गए थे हम भी जा रहे हैं भाई। फिलहाल चलो यार उतर के देखते हैं क्या सीन हो रखा है यहाँ पे, बाकी सवाल की गहरा तो नहीं है। सही बोला सागर, कह रहे जल देवता के पैर नहीं छुए तभी गिरोगे, जल देवता के हो गए। आज यार पूरा मिट्टी वाला पानी हो रखा है, बिकॉज पूरे उत्तर प्रदेश में पानी बरस रहा है, तो सब समझ लो खेत खेत का बह बह के आ रहा है सारा मिट्टी। उस दिन जो था थोड़ा पानी साफ था, बिकॉज पानी नहीं बरस रहा था, आज सब मिट्टी वाला है। देखने आए थे पर मिट्टी वाला है, ये तो पोपट हो गया, नहर नहाने आए और पोपट हो गया गाइस, पूरा का पूरा देखो मिट्टी वाला पानी है, पूरा वैसा है मिट्टी वाला पूरा सब में आ रहा है। तो यार आए तो हम यहाँ पे नहाने के लिए थे, बट यहाँ पे कोई नहा भी नहीं रहा है और साथ में मिट्टी वाला पानी हो रखा है, तो इस पानी में नहाना सही भी नहीं है भाई, बरसात है, क्या पता कब ये गेट खुल जाए, कब पानी आने लगे, इसीलिए प्लान कैंसिल, वापस चलते हैं। लेकिन इस राइड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया जो हरदोई से यहाँ तक आए, पूरा भीगे हुए हैं और बस यही लग रहा है कि तबीयत ना खराब हो जाए। चल रहे हैं वापस घर, मजा आ गया यहाँ तक आने में। मंजिलों की घर जा रहे हैं तो रास्ते में बताशे वाला ठेला मिल गया, तो बताशे चलो ट्राई करते हैं कैसे हैं, आज तो पूरा दिन एक्सप्लोरिंग वाला हो गया।
यार बताशे खाए, टेस्ट बहुत ही बेकार था, अच्छे नहीं लगे। एक्चुअली बताशे ना पूरे मिहाए में आए थे तभी खाए नहीं। मत रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस। फाइनली बैक होम और गाड़ी की हालत नीचे से मस्त खराब हो रखी है। बाकी यार रास्ते में आम लेने का प्लान था बट आज कहीं आम बढ़िया मिले नहीं तो आम लिए नहीं। हाँ तो भाई घर आके नहा धो चुके हैं क्योंकि यार बरसात में भीगे थे ना, वो पानी थोड़ा सही नहीं था और मौसम जो है और भी ज्यादा मस्त खतरनाक हो चुका है, मस्त बादल आ चुके हैं तो ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा हो रखा है। ये चक्कर है भाई साहब, कितने ज्यादा बादल हो रखे, वो भी पूरे काले काले। यार ऊपर बनाने तो मैं टाइम लैप्स आया था लेकिन इतनी जोरों की आंधी आ रखी है, इतना ज्यादा पानी बरस रहा है कि मैं क्या बताऊं, ठंड लगने लगी। मैं लिटरली नहा के आया था, ठंड लगने लगी है और अब पानी बहुत जोरों का बरस रहा है। बरस भी रहा है, मैं बरसात में खड़ा हुआ टाइम लैप्स ले रहा था, जो भी आया हो देख लेना। बाकी चलते हैं यार नीचे, भाई ऐसे तो नहीं रुक पाएंगे यहाँ। भाई अब लग रहा है कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, सुबह भी ऐसे बाइक पे टहलते रहो। भाई ये छिपकली देखो कैसे लटकी हुई है, पिचपिचा गई है क्या, मर गई है ये छिपकली यार। इसमें तो गेट पे छिपकली मर गई है यार, ये मरी हुई ऊपर चिपकी हुई है, किसी ने पहले बंद कर दिया होगा, पहले से मरी हुई है यार ये, यार मरी हुई है यार, और डर लग रहा है यार, ये तो मरी हुई है यार। हमें छिपकली सबसे ज्यादा डर लगता है, ये देखो हमें छिपकली मरी हुई, सबसे ज्यादा डर मेरे को छिपकली से लगता है। क्या गिरने वाली है क्या ये? ये लग रहा है जिंदा है यार, इसकी पूछ हिल रही है, ये देखो इसकी पूछ हिल रही है, जिंदा है यार। भाई एक बार गेट खोलते हैं क्या पता नीचे गिर रही है। अबे निकल ना, जिंदा है ये, इसकी पूछ चल रही है, ये निकल नहीं रही है बस। यार भाई ये क्या है भाभी, अरे आए कैसे खाना खाने, छिपकली तो हटे यहाँ से। अरे यार उससे नहीं निकल पाएंगे भाभी, देखो बहुत रोन के जा रहे हैं छिपकली को भगाने। चलो बस खुल गया, खुल गया, निकलो निकलो निकलो। अरे अरे उछली क्या चली, ओ भाई नहीं यार ये मर गई है, उसकी पूंछ जो थी हिल रही थी बट ये देखो अभी जमीन में पड़ी हुई है, अब ये मर गई है भाई। ओम शांति, इस छिपकली की आत्मा को शांति मिले। ये देखो पड़ी मर गई गाइस, छिपकली की आत्मा को शांति मिले। मेरे को सबसे ज्यादा डर बस छिपकली से लगता है, अजीब लगता है यार इसके पास आने से, अजीब लगती है यार ये, निकले कैसे मुझे नहीं समझ आ रहा, वो संभाल के निकलते ऐसे करके। ओ भाई निकला है। हाँ तो यार वहाँ से आने के बाद घर आए और घर पे भी लाइट आई नहीं, तो जब भी लाइट आई उसके बाद हमने फोन चार्जिंग पे लगाया, उसके बाद हम वहाँ से चले गए थे बैंक, बैंक में थोड़ा सा काम था, वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। उसके बाद एक और जगह गए थे और अभी 7 बजने जा रहा है, बस अभी घर पहुंचे और मेरा ना गला बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, कल रात में हल्का था बट सुबह से ज्यादा होने लगा। वैसा दर्द हो रहा है जब बाल अलग फंस जाता है, तो अभी उसके देसी नुस्खे उसके करेंगे, उसे हटाएंगे। और बाकी कल जो है सागर दादा की छुट्टियां खत्म हो रही हैं तो कल वो जा भी रहे हैं। बाकी अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी ही कल हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। Yo. Yes. है कोई खबर रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस्ता।